इस वक्त इलेक्शन के बाद मोस्टली तमाम जो है पार्टी पोजीशन वाज हो चुकी है और तमाम पार्टियों के जो अकली अफराद हैं और ख़वातीन हैं जो मखसूस नशस्तों पर तकरीबन उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं इस तरह पंजाब में सिंध में और तमाम जो रिजर्व सीट थी वो तमाम पार्टियों को मिल चुकी हैं सवाए जो एक पार्टी है उसके अलावा मैं समझता हूं मेरी रिक्वेस्ट है इन तमाम अपने दोस्तों से अपने अकलीती जो एम एन ए हैं एम पी एस हैं जो अब पांच साल के लिए जिन्हें मौका मिला है कि वो असम्बली में हमारी नुमाइंदगी कर सकें सबसे पहले तो मैं उन्हें बात चेयरमैन मैनआट इसलाइंस पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि आपसे हमारी अल्तमाश है आपसे अल्तजा है कि आप अपनी कौम के हकूक के लिए बात करें आप अपनी पार्टीज के आइडियालॉजी का तहफ़ तो करते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे इशू हैं जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है हम मुल्क के सदर नहीं बन सकते हम मुल्क के वजह नहीं बन सकते। हम की मज़ब और, की, की, और मसीहों की उस पर आप लेजिस्लेशन के लिए अपने अपने सूबों में और फेडरल सतह पर बात करें आप जो हमारा इलेक्टोर रिफॉर्मस है हमारी जो नशित है कौमी और सूबाई असम्बली में बढ़ाने के लिए उस पर आप बात करें आप वा... इस्लामाबाद में वहां पे एक सेनेट की सीट हासिल करें क्योंकि इस्लामाबाद में अकलीतों की बहुत बड़ी एक तादाद बसती है उस पर आप बात जरूर करें फिर आप जो है फाइव परसेंट जॉब कोटा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात करें और जो अभी बहुत सारी सीएसएस की और प्रोविंशियल और प्रोविंशल की बहुत सारी जो वैकेंसीज खाली हैं वहां आप आइंदा जो हुकूमत बनती है वहां पे उनको आप फोर्स करें कि वो उस पर एडवर्टाइज करके वहां पे हमारे नौजवानों को अपॉइंट किया जाए उसके साथ साथ हमें फाइव जो एजुकेशनल कोटा है वो चाहिए न सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में बल्कि टेक्निकल इधारों में भी हमें ऐसा कोटा चाहिए ताकि हमारे लोग जो है हुनर सीख कर तालीम हासिल करके फाइव परसेंट जॉब कोटा हासिल कर सकें और मुल्क की और कौन की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें मैं समझता हूं खुदा ने आपको मौका दिया है हम आपके साथ हैं हमारी दुआएं हमारी सपोर्ट आपके साथ है हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं आपको कुत देंगे आपको ताकत देंगे आपको अप्रिस देंगे लेकिन आप अपने हकूक के लिए जरूर बात करें गुजा की तरह ना हो कि ये इतने और भी गुजर जाए और हमारे लिए कोई लेजिस्लेशन ना हो सके हम आपके साथ हैं आप कौम के हकूक की जरूर बात करें अगर आप कौम के हकूक की बात करेंगे तो यकीन आपने अपने मसीही नुमाइंदगी का हक अदा किया है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बड़ी माजत के साथ फिर आप अपने उस जो खुदा ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है उसको आप जाया कर रहे हैं आपको एक दफा फिर मुबारकबाद और हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने कौम के हकूक की बात करेंगे